वेल दोस्तों 2004 से लेकर 2014 तक सेंट्रल में यूपीए गवर्नमेंट रही, और यहाँ पर इन 10 सालों में हमारी मनमोहन सरकार ने या बोल सकते यूपीए गवर्नमेंट ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, क्या उनका ग्रोथ रेट था, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड था, वो सारा चीज़ चेक करने वाले और फिर देखने वाले यहाँ पर जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है यानी 2014 से लेकर 2021 तक इनने 7 सालों में क्या हमारे देश के लिए किया, किनका सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट वर्सेस मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, किनका सबसे ज्यादा मस्ट अच्छा रहा उनके कार्यकाल में, उनके टेन्योर में। तो सबसे पहले चेक कर और कुछ रिसर्च बताते हैं कि मनमोहन सिंह के अंडर जीडीपी जो ग्रोथ रेट रहा वो 10.08% रहा, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन इसको हमें छिपाया गया, हमसे दिखाया नहीं गया। कुछ रिसर्चर बताते हैं जैसे एक्सपर्ट्स उनका कहना है, लेकिन यहाँ पर जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ उनका कहना है कि जो हमारे जीडीपी का जो रियल नंबर है ना उसके साथ कुछ इश्यू है, उसका छेड़छाड़ किया गया मोदी गवर्नमेंट द्वारा, या बोल सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो हमारे जीडीपी नंबर दिखाया था ना कि हमारा जो 2 पॉइंट की इकॉनमी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं यहाँ पर 2014 से 2014 तक मनमोहन सिंह देखेंगे एंड 2014 से लेकर 2021 तक गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है उसके बारे में देखेंगे कि किसका सबसे ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट रहा हमारे देश के लिए, हमारे लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है 2017 में 2018 में जो ग्रोथ रेट रहा जीडीपी का ना वो 7.2% रहा। तो चलो बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं, सो लेट्स मेक इट सिंपल फॉर यू। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। तो दोस्तों IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कहना है कि जो हमारा देश के जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है ना, उसके साथ नंबर साथ इशू है, कुछ छेड़छाड़ किया गया, कुछ ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पर गीता गोपीनाथ का कहना है कि जो पूरा वर्ल्ड का जो इकॉनमी है अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो रियल जीडीपी नंबर है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, ऐसा कुछ कहना है। और जो 2017-2018 जो हमारा जो ग्रोथ रहा ना, और 7.2% के हिसाब से बताया जाता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। यदि हम इसे रियल फिगर साथ देखें तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर हमें समझ में आ सकता है। जैसा कि देख सकते हो 2016 से लेकर 2017 में जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 122 लाख करोड़ रुपीज है, जो बहुत बड़ा नंबर होता है। और 2017 से 2018 देखें तो यहाँ पर 131 लाख करोड़ रुपीज बनता है, कुछ ऐसा रियल जीडीपी है। लेकिन अभी का जीडीपी देखो तो मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, आप ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पर 194 लाख करोड़ रुपीज हमारे देश के ऊपर है और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी है जैसा कि मैंने शेयर किया था। और 2017-18 का जो रिपोर्ट था, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट था, जीडीपी जो ग्रोथ रेट था वो 7.2% रहा था, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। यदि हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो यहाँ पर जीडीपी और होता, लेकिन डीमोनेटाइजेशन से हमारे इकोनॉमी के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन हम उसे इग्नोर करेंगे। अब देखते हैं 2009 से लेकर 2014 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इस बीच में कितना ग्रोथ परसेंट से ग्रोथ किया था, तो यहां पर 6.7% ईयर पर ये हिसाब से ग्रोथ रेट था हमारे देश की इकोनॉमी का। 2014 से लेकर 2019 तक देखोगे तो यहां पर मोदी की सरकार गवर्नमेंट में रही और यहां पर जो हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया, जीडीपी जो ग्रोथ रेट रहा वो 7.5% के हिसाब से रहा, जो पर ईयर हिसाब से रहा, जो बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मल देखा जाए तो बहुत ही बेटर है मनमोहन सिंह सरकार से, लेकिन हम जो रियल जीडीपी नापते हैं ना वो कुछ और ही तरीके से नापते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे हमारे देश के जो जीडीपी उसको नापा जाता है। डोमेस्टिक स्कूटर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो मनमोहन सिंह सरकार थे तो यहाँ पर 25.7% था, और मोदी गवर्नमेंट ने 13.21%, जो थोड़ा सा कम है। और डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर मनमोहन सिंह सरकार में यहाँ पर 15.73% रहा और मोदी गवर्नमेंट ने 4.49%, जो बहुत ही कम है। इंक्रीमेंट रिटेल लोन्स की बात करें तो यहाँ पर मनमोहन सिंह सरकार में 22.47% रहा, वहीं पे मोदी गवर्नमेंट में 19.92% रहा, तो मिला जुला के ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 11 out of 15 बहुत बड़ा नंबर होता है। मनमोहन सिंह सरकार ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया मोदी गवर्नमेंट से और अच्छा भी किया, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर हर सेक्टर में यहाँ पर ज़्यादा बेटर किया था मनमोहन सरकार ने, लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई थी यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, लेकिन कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर ज्यादा निकल गई जैसे कि आपने देखा। तो दोस्तों मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि आपका जो हमारे देश पर जो कर्ज है ना वो 147 लाख करोड़ रुपए, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन जो पब्लिक डेब्ट है या इसी को बोले तो यहाँ पर 84% ऑफ जीडीपी होता है, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे कि मैंने बताया। और अमेरिका का 132% होता है, जो हमारे देश से उनके देश का जो इकॉनमी ना जीडीपी उससे भी 32% जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छी इकॉनमी है। लेकिन हमारी इकॉनमी थोड़ी $3 trillion की इकॉनमी नहीं है, यहाँ पर 2.something trillion की इकॉनमी है, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी जैसा कि देख रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप इस चार्ट में देख सकते हो 2016 से लेकर 2026 तक देख सकते हो, हम जो बताया गया जीडीपी जो हमारा कैसा रहता था वो बताया गया, परफॉर्म कैसा करेगा देखा गया। जैसे कि 2016 देखो तो यहाँ पर जो हमारा ग्रोथ रेट रहा ना पर ईयर 8% के हिसाब से रहा, जो बहुत बड़ी बात है।
वही उसके बाद हमने 2020 में देखा तो यहाँ पर 7% माइनस में हमारा जीडीपी गया, क्योंकि उस समय बहुत लॉकडाउन था कि पूरी दुनिया इकॉनमी जो है डाउन चली गई थी, यहाँ पर हमारे देश की नहीं सबकी इकॉनमी चली गई थी। और 2021 की बात करो तो यहाँ पर जैसे देखा गया कि 11.2 कुछ परसेंट से ज्यादा हमारा जो इकॉनमी ग्रोथ करेगा, लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा जो इकॉनमी ग्रो कर रहा है ना 12% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसे वापस से डाउन जाने वाला है क्योंकि जो फिर से लॉकडाउन हमारे देश के अंदर लग गया, जिसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर और इकॉनमी को पड़ने वाला है, तो जो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मनमोहन सिंह सरकार को देखे, मोदी सरकार को देखे, तो किसका ज्यादा परफॉर्म बेटर था 2004 से 2018 तक, तो किसका बेटर था जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो यहाँ पर। और इसी ग्राफ में शेयर किया गया कि जो 2004 में जो ग्रोथ रेट था 7.9% था, वो भी था 2005 में भी 7.9% ग्रोथ रेट था, लेकिन 2006 में देखोगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है कुछ और दिखाया गया 8% पर ईयर हिसाब से गया, और 2007 में 7% के कुछ हिसाब से ग्रो किया, जो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर 2017 में देखोगे तो कुछ ऐसा ही है, 2018 में देखो तो ऐसा ही है, और 2019 में आपने देखा कुछ ऐसा था, 2020 में तो माइनस में जीडीपी चला गया था, कुछ ऐसा नहीं समझ आया। सो आई होप कि आपको क्या लगता है, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन, हमारी सरकार जो है जो रियल नंबर से जीडीपी की ना उस वक्त खेल रही है, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा तो उनके ऊपर जो सरकार उनकी डाउनग्रेड हो सकती है, तो इस कारण से हमारे साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आप देखें कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या गवर्नमेंट है, किसकी सरकार बेटर है, मनमोहन सिंह सरकार या मोदी गवर्नमेंट, आप बताना कमेंट में। मेरे हिसाब से यहाँ पर मनमोहन की सरकार ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया मोदी गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेटर थी मनमोहन सरकार से। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे और कमाल के एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।